रामायण के अनुसार इन चार लोगों के पास कभी नहीं टिकता है पैसा। माँ लक्ष्मी हमेशा रहती हैं इनसे दूर। हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन खुशहाल रहे। वे सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं बल्कि भौतिक सुखों से भी सुखी रहना चाहता है। लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, या फिर पैसे से ही सारी खुशहाली नहीं खरीदी जा सकती है। ये बात भी सच है कि सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन भौतिक सुखों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। बिना पैसे के जीवन जीना आसान नहीं होता है। आज पैसे के लिए ही लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। यदि पैसा रहेगा तभी आप अपने भौतिक सुविधाओं के सामान को खरीद सकते हैं। यदि एक गरीब की बात करें तो उसके पास बस पेट पालने के लिए ही पैसे होते हैं, बाकी वो भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित रहता है। वहीं किसी अमीर इंसान को देखें जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास भौतिक सुविधाओं के सारे सामान उपलब्ध रहते हैं। हिंदू धर्म में रामचरितमानस को जीवन जीने का आधार के रूप में देखा जाता है। रामचरितमानस हमें जीवन जीने की सही दिशा को दिखाती है। रामचरितमानस हमें जिंदगी के हर पल को आदर्श और धर्म के मुताबिक जीने के लिए प्रेरित करता है। रामचरितमानस में इस बात का उल्लेखित किया गया है कि कुछ लोगों के पास धन क्यों नहीं टिकता है। आज हम इन्हीं बातों के बारे में आपको बताएंगे। एक, रामायण के मुताबिक यदि जीवन साथी ठीक ना हो तो आपके पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकेंगी। अपने ये कहावत तो सुनी होगी कि एक अच्छी स्त्री पुरुष घर को संवार और उजाड़ सकती हैं। जो लोग अपने पार्टनर को धोखा देते हैं उनके पास धन कभी भी नहीं रुकता है। यदि आप अपने पार्टनर को धोखा देते हैं तो आपका जीवन और घर बर्बाद हो सकता है, इसलिए कभी भी अपने पार्टनर को धोखा ना दें। दो, रामचरितमानस के मुताबिक यदि आप लालची है तो कभी भी आपके पास लक्ष्मी नहीं रुकेंगी। कहा जाता है कि लालच बुरी बला होती है। यदि अपने लालच किया नहीं कि आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए ज्यादा लालच ना करें बल्कि धर्म का अनुसरण करें। तीन, रामचरितमानस के मुताबिक जिस भी इंसान के पास घमंड है उस घंडी इंसान के पास कभी भी धन नहीं रह सकता है। यदि ऐसे इंसान के पास धन है भी तो वह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा पैसों का घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। इसलिए आपको धनवान बनना है तो सबसे पहले घमंड का त्याग करें, तभी आपके पास लक्ष्मी का आगमन होगा। चार, रामचरितमानस के अनुसार जिस भी घर में मादक वस्तुओं का सेवन किया जाता है उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि नशा नाश कर देता है। यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है या आप मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो इसे जल्द छोड़ दें, तभी आपके पास माँ लक्ष्मी का आगमन होगा।